अब आपको बताएं, मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका अब्दुल रजाक दाऊद की कंपनी को देकर नवाजा गया। सिर्फ एक बोली के बाद ठेका देकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई है, ठेका मनसूख किया जाए। मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे अखलाक बाजवा से। अखलाक बाजवा, बताइएगा किसकी जानिब से करारदाद जमा कराई गई? जी, ये करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन असम्बली हिना परवेज भट्ट की जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि ठेका वजीर आजम के मशीर अब्दुल रजाक दाऊद की कंपनी को देकर मेरठ की धजियां उड़ाई गई हैं। हुकूमती मशीर को डैम की तमीर के लिए 309 अरब रुपए का ठेका मिलना तशवीशनाक है। मखसूस कंपनी को ठेका नवाजने के लिए दूसरी कंपनियों की पेशकश को मुस्तरद किया गया। दूसरी कंपनियों को डिसक्वालीफाई कैशकिन के जरिए दोबारा बोली जरूर नहीं हुई। सिर्फ एक बोली के बाद ही मखसूस कंपनी का ठेका देना कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। लिहाजा ये ईवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि मेमन डैम की तमीर का ठेका कैंसिल किया जाए। वजीर अजम के मशीर अब्दुल रजाक दाऊद इसकी वजाहत देनी चाहिए। मेमन डैम की तमीर से कबल दिया मीर बादशाह डैम जो है उसको तमीर शुरू की जाए। जी ठीक है, शुक्रिया अखलाक बाजवा।